Good morning, student. Today in this video we are going to learn about pronouns. So open your book at page number 60. So student, what is pronouns? Pronouns को जानने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि what is a noun. Okay, noun क्या होते हैं? हम पहले आपको बता चुके हैं कि नाउन क्या होते हैं. अ नाउन इज अ नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल. किसी भी पर्सन के नेम को, प्लेस के नेम को, थिंग के नेम को और एनिमल के नेम को नाउन कहते हैं. और प्रोनाउन क्या होते हैं? प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन. ऐसे वर्ड्स जो कि नाउन की जगह पर या नाउन की प्लेस पे काम में आते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रोनाउन. सो स्टूडेंट, द फार्मर डिस्क्राइब्स दिस सीन टू हिज फ्रेंड. फार्मर अपने दोस्त को ये सीन डिस्क्राइब करता है. रीड व्हाट द फार्मर टोल्ड हिम. अब हम देखते हैं कि फार्मर अपने फ्रेंड को क्या बताता है. चार्ली इज हैरीज फ्रेंड. चार्ली हैरी का दोस्त है. सो चार्ली एंड हैरी दे आर नाउन्स बिकॉज चार्ली इज अ नेम ऑफ ए पर्सन एंड हैरी ऑल्सो इज अ नेम ऑफ ए पर्सन. सो चार्ली वॉन्टेड ए जॉब. चार्ली जॉब करना चाहता है. सो चार्ली केम टू मी. इसलिए चार्ली मेरे पास आया. आई आस्क्ड चार्ली टू फीड द एनिमल्स ऑन माय फार्म. मैंने चार्ली को अपने फार्म के एनिमल्स को फीड कराने के लिए कहा. चार्ली वॉज वेरी लेजी. चार्ली बहुत लेजी था. हाउ मेनी टाइम्स इज चार्ली रिपीटेड हेयर. सो चार्ली कितने बार यहाँ रिपीट हुआ है? 5 टाइम्स. नाउ रीड दिस. चार्ली इज हैरीज फ्रेंड. He wanted a job. Charlie is Harry's friend. यहाँ पर Charlie आया है but आपने second sentence में देखा कि यहाँ हमने Charlie की जगह एक other word use किया है. So he is a pronoun. क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर noun की place पर काम में लिया है. name की जगह हमने pronoun word use किया है. So he came to me. इसलिए वो मेरे पास आया. I asked Charlie to feed the animals on my farm. और मैंने चार्ली को अपने फार्म के एनिमल्स को फीड कराने के लिए कहा. He was very lazy. वो बहुत lazy था. यहाँ पे चार्ली की जगह कौन कौन से वर्ड्स आए हैं? He वर्ड आया है. क्यों? क्योंकि हम बार बार कुछ नाउन वर्ड रिपीट नहीं करेंगे. उसकी जगह हमने प्रोनाउन वर्ड रिपीट किया है. सो चार्ली इज़ ए बॉय. इसलिए यहाँ पर क्या आया है? ही. ही मीन्स वह, लड़का. जब हम किसी बॉय की बात करते हैं तो ही प्रोनाउन का यूज़ करते हैं. सो राइट द नंबर ऑफ टाइम्स चार्ली इज़ रिपीटेड हेयर. तो यहाँ पे वर्ड चार्ली कितने बार यूज हुआ है? 2 टाइम्स, 1 and 2. विच वर्ड हैज़ बीन यूज्ड इन प्लेस ऑफ चार्ली इन द पैराग्राफ अबाउट. तो हमने जो पैराग्राफ यहाँ पर पढ़ा है उसमें हमने वर्ड चार्ली की जगह कौन सा वर्ड यूज़ किया? ही. वाई? बिकॉज चार्ली इज़ अ बॉय और बॉय के लिए हमेशा क्या आता है? ही. ही इज़ अ प्रोनाउन. वर्ड्स सच एज ही, शी, आई, यू एंड इट आर यूज इन प्लेस ऑफ नाउन्स. सो ही, शी, आई, यू, इट ऐसे वर्ड्स हैं जो कि हम नाउन की प्लेस पे काम में लेते हैं या हम यूज़ करते हैं. दे आर कॉल्ड प्रोनाउंस. और ये सब क्या होते हैं? प्रोनाउंस. प्रोनाउंस आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउंस. हम प्रोनाउन को नाउन की प्लेस पे यूज़ करते हैं सो दैट, ताकि वी डोंट नीड टू रिपीट देम, ताकि हमें बार बार नाउन रिपीट करना
ना पढ़े. सो स्टूडेंट, व्हाट इज द प्रोनाउन? अ प्रोनाउन इज द वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन. मीन्स प्रोनाउन ऐसे वर्ड्स हैं या ऐसे वर्ड जो कि नाउन की प्लेस पे काम में आएंगे या हम यूज़ करेंगे, उन्हें हम कहते हैं प्रोनाउन. कौन कौन से थे? आई, शी, ही, यू, इट. ओपन योर बुकेट पेज नंबर 61. रीड द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स. नाउ स्टूडेंट, हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे. हेनरी लाइक्स बनानास. He eats a banana every day. Henry likes banana. Henry को bananas बहुत पसंद हैं या वो banana को बहुत पसंद करता है. He eats a banana every day. और वो daily एक banana खाता है. So यहाँ हमने देखा कि Henry की जगह पे Henry को हमने repeat नहीं किया है, उसकी जगह हमने he word use किया है. Why? Because Henry is a boy. और हमेशा किसी भी बॉय के लिए कौन सा प्रोनाउन आता है? जब वो सिंगुलर हो. तो यहाँ पे हेनरी वन बॉय है. सिंगुलर हो और बॉय हो तो हम क्या यूज़ करेंगे? ही. हेनरी इज़ द नेम ऑफ ए बॉय. हेनरी एक लड़के का नेम है. ही इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ हेनरी. इसलिए यहाँ पे हेनरी की जगह पर ही आया है. शीला इज माई नेबर. शीला मेरी पड़ोसी है. शी इज आर डॉक्टर. वो एक डॉक्टर है. शीला इज द नेम ऑफ ए गर्ल. अब देखिए यहाँ पे ये भी सिंगुलर फॉर्म में है. सिंगुलर है, शीला वन गर्ल है. बट यहाँ हमने ही, यहाँ ही था हेनरी क्योंकि एक बॉय का नेम था, और यहाँ पे शीला एक गर्ल है, इसलिए यहाँ हम शीला के लिए शी यूज़ करेंगे. सो स्टूडेंट, बॉय के लिए ही आता है एंड गर्ल के लिए शी आता है. शी इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ शीला. शी का यूज़ किया गया है शीला की जगह पर बिकॉज शीला इज़ ए गर्ल. द प्रोनाउन ही इज़ यूज्ड टू रिप्लेस नेम्स ऑफ बॉयज. यानी प्रोनाउन ही जो है वो हमेशा बॉयज़ के नेम को ही रिप्लेस करेगा. ऐसा नहीं है कि यहाँ शीला है एक गर्ल है और यहाँ हम ही लगा दें. नो, ये रॉन्ग हो जाता. यहाँ पे शी ही करेक्ट है. क्यों? क्योंकि बॉय के लिए हमेशा ही का यूज़ करते हैं. द प्रोनाउन शी इज़ यूज टू रिप्लेस नेम्स ऑफ गर्ल्स. और गर्ल्स के नेम को रिप्लेस करने के लिए हम कौन से प्रोनाउन का यूज़ करते हैं? शी का. द प्रोनाउन ही इज यूज्ड टू रिप्लेस नेम ऑफ बॉयज. द प्रोनाउन शी इज यूज्ड टू रिप्लेस नेम्स ऑफ गर्ल्स. ये आपको याद रखना है कि बॉय के नेम को रिप्लेस करने के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे? ही. एंड गर्ल के नेम को रिप्लेस करने के लिए शी. This is a lamp. It gives light. अब देखिए यहाँ पे he और she आपको पता चल चुका है कि he का यूज़ हम बॉय के लिए करते हैं, she का यूज़ हम गर्ल के लिए करते हैं. This is a lamp. यह एक lamp है. So lamp गर्ल और बॉय नहीं है. It is a non-living thing. It is a lifeless object. इट गिव्स लाइट. सो हमने, आपने एक चीज़ नोटिस की, यहाँ हमने ना ही लगाया है ना शी लगाया है क्योंकि वहाँ पे ही और शी आएगा ही नहीं. वाई? बिकॉज लैम्प इज ए लाइफलेस ऑब्जेक्ट. सो इट प्रोनाउंस यहाँ पे हम लाइफलेस ऑब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं इट प्रोनाउन. लैम्प इज़ ए थिंग. लैम्प एक चीज़ है. वी यूज़ इट टू रिप्लेस नेम्स ऑफ थिंग. तो हमेशा हम किसी भी थिंग के नेम को रिप्लेस करने के लिए उस जगह पर प्रोनाउन का यूज़ करने के लिए हम इट प्रोनाउन का यूज़ करते हैं. इट्स दैट क्लियर स्टूडेंट? समझ में आ रहा है कि ही
का यूज़ हम कहाँ करते हैं? किसी भी बॉय के नेम की जगह पे। और शी का यूज़ हम कहाँ करते हैं? किसी भी गर्ल के नेम की जगह पे। और जब किसी थिंग यानी किसी चीज़ का नेम आता है तो उसको हम रिपीट ना करें और उसकी जगह हम कौन सा प्रोनाउन यूज़ करते हैं? इट। चार्ली, आई एम। सो स्टूडेंट, लुक एट दिस पिक्चर, दे आर टॉकिंग। चार्ली, आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई टास्क। यह हेनरी है जो कि अपने फ्रेंड चार्ली से कह रहा है, चार्ली मैं अपना टास्क शुरू करने जा रहा हूँ, आर यू कमिंग विद मी? क्या तुम मेरे साथ आ रहे हो? अब बेटा आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पे चार्ली से बात हो रही है लेकिन जब चार्ली उसके सामने है तो वो चार्ली से कह रहा है कि आप मेरे साथ आ रहे हो। तो चार्ली कहता है आई एम फीलिंग वेरी स्लीपी, मुझे बहुत नींद आ रही है। यू कैन स्टार्ट, तुम शुरू कर सकते हो। आई विल डू इट लेटर, मैं इसे बाद में करूँगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि चार्ली की जगह, क्योंकि चार्ली उसके सामने है और वो चार्ली से ही बात कर रहा है, तो वो क्या कहता है? आर यू कमिंग विद मी? यहाँ उसने यू का यूज़ किया, सो यू इज़ अ प्रोनाउन, नोटिस द वर्ड आई एंड यू। आपने यहाँ पे कौन कौन से वर्ड नोटिस किए? आई एंड यू। हैरी यूजेस आई व्हेन ही इज टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ। हेनरी वर्ड आई का यूज़ करता है चार्ली का चार्ली से बात करने के लिए, जब वो अपने बारे में बात कर रहा है तो वो उसके खुद के लिए कौन सा वर्ड यूज़ कर रहा है? आई। ही यूजेज यू विद द पर्सन ही इज टॉकिंग टू, और वो यू वर्ड का यूज़ कब कर रहा है? जब वो अपने सामने वाले पर्सन से बात कर रहा है। सो डज चार्ली। तो बेटा आपने देखा, जब हम अपने सामने वाले से बात करते हैं, कोई हमारे सामने हैं हम उससे बात कर रहे हैं, तो हम वहाँ पे ही और शी नहीं लगाएंगे, हम यू का प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। और जब हम अपने बारे में बात करते हैं तो हम आई का यूज़ करते हैं, आई मीन्स मैं। सो स्टूडेंट, हेयर आर सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ सेंटेंस यूजिंग प्रोनाउंस। यहाँ पे और भी एग्जाम्पल्स हैं जिसमें प्रोनाउन का यूज़ किया है। तो हमने कौन कौन से प्रोनाउन पढ़े? ही, शी। ही एंड शी मीन्स वह, बट ही किसके लिए आएगा? लड़के के लिए, एंड शी लड़की के लिए। आई मीन्स मैं, जब हम अपने बारे में बात करेंगे तब हम आई प्रोनाउन का यूज़ करेंगे, और जब हम अपने सामने वाले पर्सन से बात करेंगे तो हम यू का यूज़ करेंगे, वाई ओ यू। यू मीन्स तुम। इट, इट किसके लिए आता है? किसी भी थिंग के लिए। सो ही इज़ ए क्लेवर बॉय, वो एक क्लेवर बॉय है। शी लव्स टू रीड, उसे पढ़ना बहुत पसंद है। यहाँ एक गर्ल की बात हो रही है। आई लव आइसक्रीम, मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। द पपी इज ब्राउन, इट इज़ क्यूट। देखे बेटा, पपी जो है वो एनिमल का नेम है, एनिमल के नेम के लिए भी इट का यूज़ किया जाता है। सो इट इज़ क्यूट, यह बहुत क्यूट है। नाउ फ्रेम ए सेंटेंस ऑफ योर ऑन यूजिंग प्रोनाउंस। मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है, बट आप अपना खुद भी सेंटेंस बना करके लिख सकते हो। मोना हैज़ ए कैट, मोना के पास एक कैट है। शी लाइक्स, अब देखो बेटा मैंने यहाँ पे मोना की जगह शी का यूज़ किया है, कि उसे, शी लाइक्स टू टेक केयर ऑफ हिम, उसे उसकी टेक केयर करना बहुत पसंद है। Fill in the pronouns and write sentences. Fill in the blanks with pronouns to complete the sentence.
देखो आपकी बुक में यहाँ पे ब्लैंक है, मैंने यहाँ फिल किया हुआ है, हमें यहाँ पे करेक्ट प्रोनाउन का यूज़ करते हुए इन्हें फिल करना है। सो देखिए बेटा, अब आई लाइक क्रिकेट, मुझे क्रिकेट पसंद है, यहाँ ब्लैंक समझ लीजिए आपकी बुक में है, प्ले द गेम विद माई फ्रेंड्स। अब यहाँ पे क्या आना चाहिए, जब हम अपने खुद के बारे में बात कर रहे होते हैं, यहाँ पर ये अपने बारे में बात कर रहा है, तो हम यहाँ कौन सा प्रोनाउन, ना यहाँ बॉय है, ना यहाँ गर्ल है, ना ही वो सेकंड पर्सन से के बारे में बात कर रहा है, वो अपने खुद के बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ पे हम कौन सा प्रोनाउन यूज़ करेंगे, प्रोनाउन आई। रवि इज़ अ नाइस बॉय, रवि एक अच्छा लड़का है। अब यहाँ जो रवि है वो एक बॉय है, तो जब हम नेक्स्ट सेंटेंस में इसके बारे में बताएंगे तो हम ही का यूज़ करेंगे, ही इज़ माई फ्रेंड, वो मेरा फ्रेंड है। रोहिणी इज ए ब्राइट गर्ल, रोहिणी इज ए गर्ल, सो प्रोनाउन शी विल बी यूज हियर, ओके, प्रोनाउन शी हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। थैंक यू, यू आर द बेस्ट, ये थैंक यू बोल रहा है, तो थैंक यू ऑफकोर्स किसी सेकंड पर्सन को बोल रहा है, इसलिए यहाँ हमने यू का यूज़ किया है। द डेस्क इज ब्राउन इन कलर, जो डेस्क है वो ब्राउन कलर की है, इट इज़ ए बिग डेस्क है, थिंग है, इसलिए यहाँ पे इट का यूज़ किया है। सो लिस्ट ऑल द प्रोनाउंस यू हैव यूज्ड, अब हमने यहाँ पे कौन कौन से प्रोनाउन यूज़ किए, आई, ही, शी, यू,